श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसे कि अभी जो है गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, इस नवरात्रि में मैं जो है माता की चुनरी की झंडी वाला उपाय मैं आपको बताऊंगी। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे काम है जो अटके पड़े हैं, तो बस इस गुप्त नवरात्रि में ये उपाय आप कर लीजिए, आपके जो है सारे काम जो है ये नवरात्रि ख़त्म होते होते तक बन जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जैसे कि पूज्य गुरु जी ने हमेशा से बताया कि जब भी कोई अच्छे स्पेशल दिन होते हैं, जैसे कि जो है नवरात्रि हो गए, अमावस्या हो गई, ग्यारस हो गए, प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गई, इन पे जो है जो भी आप उपाय करते हैं उससे जो है आपके काम बनते ही बनते हैं। तो आपको क्या करना है, एक जटा वाला नारियल लेना है, ठीक है, और आप थोड़ा सा देख करके लाइएगा दुकान से, उसमें थोड़ा पानी हो, और आपको जो है लच्छा ले लेना लाल, जिसको कि मोली भी बोलते हैं, कलावा भी बोलते हैं, और थोड़ा एक बड़ा गट्टा लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जब आप सुबह नहा धो के और पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, तब आपको मंदिर में वो नारियल और वो कलावा वहाँ पे रख देना है, फिर वहाँ बैठ के आपकी मनोकामना बोलते हुए उस नारियल के ऊपर 21 बार जो है उस लच्छे को लपेट देना है। ठीक है, लपेटने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग पा रही है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, या आपके घर में धन संपदा नहीं आ रही है, और जो भी व्यक्ति जॉब करने जाता है वो उतनी ही उतनी सैलरी बनी हुई है, को 10 साल पहले जो आप थे वही आज हैं, वैसे के वैसे कोई भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है, तो आपको फिर क्या करना है, उस नारियल को 21 बार लपेट लेंगे, बार में आपको फिर जो है 21 बार आपको ऐसे उतारना है। ठीक है, जैसे कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज ऐसे उतार करके फिर आपको जाना है ये जो अपने दुर्गा माता के मंदिर, ठीक है, वहाँ आपको आपकी मनोकामना बोलते हुए उस नारियल को जो है वहाँ भगवान जो हमारी दुर्गा माता है माँ के चरणों में आपकी मनोकामना बोलते हुए आपको अर्पित कर देना है। आप देखेंगे नवरात्रि ख़त्म होंगे तब तक जो है आपके काम बनने लगेंगे। ठीक है, अब जो है हम दूसरे उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, तो दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, आपको लौंग लेनी है। ठीक है, लौंग लेनी है तो आपको जो है लौंग के 9 जोड़े लेने। अब जब मैं जोड़े की बात कर रही हूँ तो उसमें जो है एक जोड़े में 2 लौंग आती है, तो ऐसे करके कितनी हो गई, 9 जोड़े में 18 लौंग हो गई। ठीक है, लौंग पूरी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, और साथ ही आपको जो है 9 बताशे, जो बताशे हम पूजा पाठ में यूज़ करते हैं वो बताशे आपको लेने हैं। ठीक है, और 9 बताशे पूरे ऐसे खंडित नहीं लेना, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये लेकर के फिर आपको जाना है आपके माता दुर्गा के मंदिर। ठीक है, माता जी के मंदिर जाना है, वहाँ पे आपको पहले 1 बताशा रखना है, फिर उसके ऊपर 2 लौंग जो है वो रख देनी है, मतलब 1 जोड़ा, फिर ऐसे करके 2 बताशा, फिर 1 जोड़ा, फिर 3 बताशा, फिर 1 जोड़ा, ऐसे करके आप 9 बताशों पे 9 जोड़े लौंग के रख दीजिए, और आपकी माता जी से जो भी मनोकामना है, जो भी आपके घर में परेशानी बनी हुई है लक्ष्मी से संबंधित, आप वो बोल करके माता को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, माता जी आपका जो है ये नवरात्रि ख़त्म होते होते आपके काम ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, ये उपाय आपको कर लेने हैं। अब मैं आपसे जो है तीसरे उपाय के बारे में बात करूंगी, उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक झंडी लेनी है, झंडा आपको आसानी से मिल जाएगा, माता जी वाला, माता जी उस पर बनी हुई है, जय माता दी लिखा हुआ है, वो आपको झंडा लेना है। ठीक है, आपको जो है आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। फिर आपको जो है थोड़ा सा कपूर ले लेना है और 1 लौंग का जोड़ा ले लेना है, और आपको माता जी के मंदिर जाना है शाम के वक्त। ठीक है, फिर जो है वहाँ पे आपको जो है कपूर जलाना है और उसी में वो लौंग का जोड़ा जला देना है, और आपकी मनोकामना जो है बोलना है, और जो वो झंडी आप लेकर के गए उसको एक छोटी सी डंडी में लगा करके जाइएगा, और उसको जो है आपको मंदिर में वहीं चढ़ा देना है, आपकी मनोकामना बोल देना है। आप देखेंगे कि इस नवरात्रि में आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब जो है मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी एक नए उपाय के साथ में। शीश